हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल डिजोमेनिया। जानते हैं भाई आप लोग, मेरा नाम है अखिलेश त्रिपाठी और इंग्लिश वोकैब की वीडियो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। बाकी अदर वीडियोस जो भी है वो केतन सर द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। देखिए भाई, पहले से ही मैं तीन पार्ट में आपको ईडियम कवर करा चुका हूँ कहीं ना कहीं। अब ये चौथा वाला पार्ट है भाई, आगे वाला देखिए, चौथा पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ, जानते हैं भाई आप लोग। तीन पार्ट में आपको मैं कई ईडियम प्रोवाइड करा चुका हूँ, अब ये फोर्थ पार है, मैं इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम प्रोवाइड कराऊंगा भाई। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए जैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ, एडवर्स टास्क, हरकुलियन टास्क, अपहिल टास्क। देखिए सबका मतलब जानते हैं भाई आप लोग, या जानते हो चाहे ना जानते हो भाई, सबका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट टास्क, सच टाइप ऑफ टास्क दैट नीड वेरी मच एफर्ट, दैट नीड वेरी मच करेज, जहां पे बहुत ही ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, जहां पे बहुत ही ज्यादा साहस की आवश्यकता है, ऐसे जो कार्य होते हैं इसके लिए हम लोग लगाते हैं क्या भाई, एडवांस टास्क, हरकुलियन टास्क और अपहिल टास्क। दोनों सबका मतलब बहुत कठिन कार्य, क्या होता है बच्चों ये बहुत कठिन कार्य, जो बहुत ही ज्यादा कठिन है कार्य, इसके लिए लगाते हैं एडवांस टास्क, हरकुलियन टास्क, अपहिल टास्क। क्या लगाते हैं भाई, एडवांस टास्क, हरकुलियन टास्क और अपहिल टास्क। देखिए भाई एडवांस टास्क तो आपको तैयार करके, एडवांस का मतलब होता है बहुत कठिन, तो एडवांस टास्क माने बहुत कठिन कार्य। फिर देख ले हरकुलियन टास्क, तो हरकुलियन टास्क जो देवता हरकुलिस कर सकते हैं भाई, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। हरकुलिस जानते हैं भाई, हरकुलिस, थॉर, ये सब रोमन कैथोलिक देवता है। तो हरकुलियन टास्क जो हरकुलिस देवता कर सकते हैं, देवताओं वाला कार्य, माने क्या ये बहुत ही कठिन कार्य है भाई। तो ये होता है आपका हरकुलियन टास्क। फिर देखिए अपहिल, हिल माने पहाड़ी, और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का ये बहुत ही कठिन कार्य होता है, सभी लोग जानते भाई। तो ये एडवांस टास्क, हरकुलियन टास्क और अपहिल टास्क। पहला क्या भाई आपका एडवांस टास्क, सेकंड वन इज हरकुलियन टास्क, एंड थर्ड वन इज अपहिल टास्क। तो सबका मतलब हो जाता है द टास्क दैट नीड्स वेरी मच करेज, वेरी मच एफर्ट, सच टाइप ऑफ टास्क इज कॉल्ड एडवांस टास्क, हरकुलियन टास्क और अपहिल टास्क, जो बहुत ही जिसके लिए हेल्प बहुत ही ज्यादा, जिसके लिए करेज चाहिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत चाहिए। जैसे आज के जमाने में गवर्नमेंट जॉब पा जाना, दिस इज एडवांस टास्क, दिस इज हरकुलियन टास्क, दिस इज अपहिल टास्क टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, आप लोग जानते हैं भाई इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एट वंस वेट्स इन एट सी या पेल मेल। देखिए भाई इसका मतलब होता है टू कंफ्यूज, कंफ्यूज हो जाना भाई, बहुत ही कंफ्यूज होना, परप्लेक्स हो जाना, बिल्कुल असामंजस्य कंडीशन में आ जाना, बिल्कुल समझ ना पाना, फैसला ना ले पाना कि भाई यहाँ पे क्या किए करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है, इसी को एट वंस विट सेंट, विट माने जानते बुद्धि होता है, विट इंटेलेक्ट, साइक माने होता है बुद्धि, और एंड माने अंत, बुद्धि का अंत हो जाना बिल्कुल, कि बुद्धि काम करना बंद हो जाए, कि करे तो करे क्या आखिरकार यहाँ पर। तो ये होता है एट वंस विट सेंट। एट सी, सी माने समुद्र, और समुद्र में आ जाएंगे तो आप चारों ओर कहां जाएंगे, चारों ओर पानी पानी दिखाई देगा आपको, आपका एक मन कहेगा चलो दाएं चले, फिर दूसरा मन कहेगा कहीं दाएं ऐसा ना हो कि दाएं जाके पता चले कि बाएं साइड किनारा हो, दाएं बीच में ना पहुंच जाए, तो काफी कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका एट सी, ये भी तो कंफ्यूज, और पेलमेल हो गया भी दिमाग, तो पेलमेल का मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, कुछ क्वेश्चन होते हैं मैथ के बड़े पेलमेल कर देते हैं भाई, कंफ्यूज कर देते हैं वो आपको। तो पेलमेल माने भी क्या होता है बच्चों, कंफ्यूज हो जाना होता है, बिल्कुल परप्लेक्स हो जाना, बिल्कुल इस तरीके से भड़बड़ा जाना इसको बोलते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना, असामंजस की स्थिति में आ जाना, समझ ना पाना कि आपको क्या करना चाहिए, तो ये हो जाता है बिल्कुल असामंजस की अवस्था में आ जाना। तो देखिए लिखा है पहले एट वंस विट सेंट, फिर लिखा है एट सी, फिर क्या लिखा बच्चों को पेलमेल। तो पहला क्या लिखा है आपका एट वंस विट सेंट और एट सी, और तीसरा क्या आपका पेलमेल, माने का टू बी कंफ्यूज, टू बी परप्लेक्स, बहुत ही कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना। अच्छा, और एडवर्स हरकुलियन, आप जानते भाई बहुत ही कठिन कार्य। आगे देखते हैं रन डाउन, देखिए रन डाउन है तो फ्रेजल वर्ब, लेकिन हम लिख दिया है यहाँ पर, हम ऐसे ईडियम फ्रेजल वर्ब दोनों ही है भाई, ये मैं सोचे कि ईडियम लिखा क्यों, अब ईडियम सही आएगा, ईडियम फ्रेजल वर्ब दोनों साथ है इतने भाई। देखिए रन डाउन के चार अर्थ है, देखिए पहला इसका क्या होता है, मतलब पहला इसका जो मीन है, इसका पहला अर्थ होता है बहुत ही थक जाना, जैसे आपने कहा कि बहुत रन डाउन हो गए भाई, हम दिन भर कार्य करते करते रन डाउन, बिल्कुल डाउन पड़ जाता हूँ, बिल्कुल मतलब डाउन हो गया हूं, रन तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो रन डाउन माने का भाई टू टायर्ड, या टू बी टायर्ड, टू बी एग्जॉस्टेड, लिख लेंगे भाई आप लोग। तो ये हो जाता है बहुत ज्यादा थक जाना, बहुत ही ज्यादा थक जाना, बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो जाना भाई। और फिर देखिए दूसरा इसका अर्थ क्या होता है, देखिए दूसरा अर्थ होता है बहुत ही गलत तरीके से बातचीत करना, टू स्पीक बैडली, क्या होगा इसका टू स्पीक बैडली, चलिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टू बी टायर्ड, और ये हो जाएगा भाई टू स्पीक बैडली, बहुत ही गलत तरीके से बात करना, रन डाउन, जैसे आपके माता पिता से आप रन डाउन नहीं करेंगे, आपके टीचर्स कहते हैं आप मुझसे रन डाउन नहीं करेंगे, मतलब गलत तरीके से बातचीत नहीं करेंगे। तो पहला रन डाउन हो गया भाई आप कार्य करके, इसका मतलब आप क्या हो भाई,
थक गए भाई, रन डाउन हो गए, थक गए। और दूसरा रन डाउन का अर्थ क्या होता है भाई आपका, बहुत ही गलत तरीके से बातचीत करना। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, तीसरा, देखिए तीसरा इसका अर्थ होता है टक्कर, गाड़ी से टक्कर मार देना, रन डाउन करते हुए कोई गाड़ी चली गई आपको, माने टक्कर मारते हुए चले गए। और शायद टक्कर मारने के लिए आप लोग जानते हैं कोलैप्स तो होती भाई, कॉमन मीनिंग है, और इसके लगाते हैं लोग नॉकडाउन, तो नॉकडाउन बाय ए व्हीकल, तो ये होता है आपका नॉकडाउन बाय एनी व्हीकल, तो किसी व्हीकल द्वारा जो है किसी किसी वाहन द्वारा टक्कर मार दे, इसके लिए रन डाउन, जैसे आपने कहा गाड़ी उसको रन डाउन करते हुए चली गई, मान टक्कर मारते हुए चले गए, या एक जो गाड़ी थी वो किसी वृद्ध व्यक्ति को रन डाउन करते चले, इसका मतलब क्या टक्कर मारते हुए चली गई, तो रन डाउन टक्कर मार देना होता है। तो देखिए भाई रन डाउन का पहला अर्थ क्या होता है भाई, रन डाउन हो गया, थक गया, बिल्कुल रन डाउन हो गया हूं, आप उससे रन डाउन नहीं करेंगे, गलत तरीके से बातचीत नहीं करेंगे। और फिर देखिए तीसरा अर्थ मैंने क्या बताया भाई रन डाउन का, गाड़ी द्वारा टक्कर मार देना, तो ये हो जाता है भाई आपका रन डाउन। और फिर देखिए इसका जो चौथा अर्थ है टू फिनिश द वर्क, अपना कार को समाप्त कर लेना, तो कार समाप्त करने जाना का रन डाउन कर लिया, अपने कार को रन डाउन कर लिया, इसका मतलब कार को क्या कर दिया भाई, समाप्त कर लिया भाई, तो कोई कार्य को समाप्त करना है रन डाउन, तो किसी कार्य को समाप्त कर देना रन डाउन। और अगर कोई घड़ी रन डाउन हो गई, इसका मतलब घड़ी कार्य करना बंद कर दिया, मतलब रन डाउन हो गए भाई, तो कार्य करना समाप्त कर देना टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश वर्क, समझ गए भाई आप लोग कि कार्य को समाप्त कर लेना। तो ये पहला अर्थ होता है टू बी टायर्ड या टू बी एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा थक जाना। और फिर दूसरा होता है टू स्पीक बैडली, बुरी तरह से बातचीत, बहुत गलत तरीके से बातचीत करना, नॉक डाउन बाय एनी व्हीकल, की किसी व्हीकल द्वारा किसी वाहन द्वारा टक्कर मार देना। और चौथा होता है टू फिनिश वर्क, कार्य समाप्त कर लेना रन डाउन, तो ये रन डाउन हो जाता है भाई आपका। आगे देखिए लिखा है रन अमॉक या एमयू, कुछ भी लिखा अमॉक पढ़िए चाहे एमयू पढ़िए, और फिर रन वाइल्ड, देखिए वाइल्ड लिखा हुआ है डब्ल्यू आई एल डी, तो रन वाइल्ड, देखिए रन अमॉक या रन वाइल्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब रन माने होता है दौड़ना, और बिल्कुल वाइल्ड माने जंगली तरीके से, तो बिल्कुल अमॉक हो जाना, रन अम्यूक, रन अमॉक या रन वाइल्ड, जंगली तरीके से भागते व्यक्ति, जब उसके सर पे खून सवार हो जाता है, सर पे खून सवार हो जाता है, व्यक्ति बिल्कुल जंगली तरीके से भागता है इधर उधर, जैसे क्या कुछ ऐसी कोई घटना हो गई है जो उसके किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है या बहुत ही जो ज्यादा शर्मिंदाजनक है, तो व्यक्ति ऐसे में क्या होता है कि सर पे खून सवार हो जाता है, तो ये होता है रन अमॉक या एमयू और रन वाइल्ड, सर पे खून सवार, रन वाइल्ड हो गया कोई व्यक्ति, जैसे क्या है एक व्यक्ति अपने घर पे आया और उसने क्या देखा कि उसके कोई भी अपने की डेड बॉडी पड़ी हुई है, किसी ने क्या किया उसकी हत्या कर दी है, तो वो अब पकड़ के ले गए उसको, कुछ भी हो गया हो, लेकिन ऐसे समय में रन वाइल्ड व्यक्ति बिल्कुल सर पे खून सवार हो जाता है उसके, तो ये होता है रन अमॉक, रन एमयू और रन वाइल्ड, तो सबका मतलब क्या होता है आपका, सर पर खून सवार हो जाना, बिल्कुल हत्या करने के उतारू हो जाना, बिल्कुल देखना ना सुनना ना कुछ भी, बिल्कुल किसी समझ गया भाई, सर पे खून सवार हो जाना, क्या स्थिति हो जाती है यहाँ पर, तो रन अमॉक या एमयू और फिर रन वाइल्ड। फिर स्नेक इन द ग्रास, बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है और बड़ा सिंपल इडियम है, स्नेक इन द ग्रास मतलब जानते हैं भाई जो घास में जो सांप है, मतलब छुपा हुआ शत्रु होता है भाई, स्नेक इन द ग्रास मतलब आस्तीन का सांप, ऐसा मित्र जो ये सामने से लगता है कि बहुत अच्छा है लेकिन अंदर से उसके मन बहुत ही खुराफात चल रही होती है, या बहुत ही कोई उसके मन में कोई बहुत इविल चल रही होती है, भावना चल रही होती है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास, माने क्या होता है छुपा हुआ शत्रु, माने आस्तीन का सांप, हिडन एनिमी, तो ये हिडन एनिमी हो जाता है स्नेक इन द ग्रास। फिर देखिए टर्न अ ब्लाइंड आई, टर्न अ डीप ईयर, देखिए टर्न माने होता है बदल जाना, ब्लाइंड आई माने बहरी आंखों, ब्लाइंड आई मतलब अंधे आंखों में बदल जाना भाई, बिल्कुल अंधे हो जाना, या टर्न अ डीप ईयर की बहरे पड़ जाना, तो अंधा हो जाता है, बहरा पड़ जाता है, देखिए अंधे हो जाना मतलब क्या अनदेखा करना, जैसे व्यक्ति क्या होता है जब अपने बच्चा कोई गलती करता है तो अनदेखा हो जाता है, अनदेखा करता है उसको, बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे अंधा है, कुछ देख ही नहीं रहा था वहां पर, और जब कोई गलत बात बोलता है तो वहां पर वो व्यक्ति क्या है टर्न में डीप ईयर, बहरा पड़ जाता है, सुनता ही नहीं कि मेरा लड़का भी कुछ गलत बात बोल रहा है या मेरा भाई भी कुछ गलत बात बोल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये अनदेखा कर रहा है, ये अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, उसको टालने की कोशिश कर रहा है कि ना मैं देखूं ना दूसरा कोई बोल पाए, तो टर्न डीप ईयर, टर्न ब्लाइंड मैंने अंधे पड़ जाना, बहरे पड़ जाना, इसका मतलब क्या होता है ध्यान ना देना, एक प्रकार से उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको कोई कहा बताइए तो टर्न डीप ईयर हो जाते हैं, बिल्कुल बहरे पड़ जाते हैं, सुनाई नहीं दे रहा है कि हाँ भाई ये कार्य बताया जा रहा है, क्योंकि कार्य बताया जाए कहीं आना जाना पड़ेगा, तो इस तरीके से बहुत ही अब है भाई अलग अलग तरीके के लोग हैं, तो टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब हो जाता है बिल्कुल अनदेखा कर देना, और टर्न अ डीप ईयर मैंने अनसुना कर देना कि सुना रखना ही बिल्कुल भी, तो टर्न अ डीप ईयर और टर्न अ ब्लाइंड आई, और उसके ऊपर मैंने आपको बताया था स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास मैंने क्या होता है आपका छुपा हुआ शत्रु होता है, उसके ऊपर आपको मैंने बताया था रन अमॉक रन एम्यूक सर पर खून सवार हो जाना, रन अमॉक रन एम्यूक और रन वाइल्ड, उसके ऊपर मैंने बताया रन डाउन, रन डाउन का पहला अर्थ होता है भाई आपका
थक जाना होता है, बहुत ही ज्यादा थक जाना, और दूसरा होता है भाई गलत तरीके से बातचीत करना, तीसरा होता है भाई आपका किसी वाहन द्वारा टक्कर मार देना, और चौथा इसका अर्थ क्या होता है अपने कार्य को समाप्त कर लेना। उसके ऊपर देखिए आपका है एट वंस विट सेंट, देखिए भाई पीछे लिखा होगा एट वंस विट सेंट एट सी या पेलमेल, तो एट वंस विट सेंट एट सी या पेलमेल हो गए, इसमें बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं, तो भी टू बी कंफ्यूज ग्रेटली, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाना, और ऊपर लिखा एडवर्स टास्क हरकुलियन टास्क और अपहिल टास्क, माने क्या होगा भाई आपका बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही कठिन कार्य। तो ये मैंने आपको ये वीडियो बताया, इसमें कई आपके मीनिंग क्लियर हुए, कहा से आप रनडाउन पे बहुत ध्यान देना भाई, रनडाउन पे, और एक वर्ड यहाँ पर ये नॉकडाउन है भाई, नॉकडाउन में टक्कर मारना होता है, हालांकि नॉर्मल वर्ड कोलैप्स जानते हैं भाई आप लोग, कोलैप्स में टक्कर मारने, कोलैप्स में ढह जाना भी होता है, तो बिल्डिंग में ढह जाना, तो नॉकडाउन को भी अच्छे से आप तैयार रखना भाई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो समझ में जरूर आया होगा, अगर थोड़ा और ध्यान नहीं तो बहुत पूरा अच्छा समझ आ जाएगा, लेकिन आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाएंगे भाई, नोट्स बनाने से बड़ा लाभ मिलता है भाई, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, और ये आप महसूस करेंगे जब आपके नोट्स इसके तैयार हो जाएंगे भाई। वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो आप प्लीज हमारे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल, और हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।